से तमाम गिरजाघरों के सावधानी के साथ उन्हें खोल दिया गया है। चर्च में प्रवेश और निकासी के लिए अलग दरवाजे बनाए गए हैं। चर्च के अंदर प्रवेश से पहले सैनिटाइजर, हाथ धोने और थर्मल स्क्रीनिंग का भी इंतजाम किया गया है। बता दें कि 65 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग, 10 साल से या उससे कम आयु के बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं को चर्च में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। भीड़ ना बढ़े इसकी भी व्यवस्था की गई है। अब शासन के नियमों का पालन करते हुए जो है, डिस्टेंस का पालन करते हुए, इस आज चर्च का जो पहला दिन है, और सभी लोग सहभागी हो नहीं सकते, इसलिए बारी बारी से चार बारी से चर्च का जो है शुरुआत हुआ है। तो जैसे आते हैं तो उनको सैनिटाइजर द्वार से प्रवेश होना है, उसके लिए भी जो है वॉलंटियर्स थे कि उनकी दूरी जो है निर्धारित दूरी है वो बनी रहे। फिर उसके बाद इधर आने के बाद उनका जो है टेम्परेचर वगैरह भी लिया जाता है उनको, फिर हैंड वॉश, सैनिटाइजिंग, वो सब किया जाता है। आज से राजधानी रायपुर में गिरजाघरों को खोला गया है। आज हम राजधानी के अमलीडीह स्थित चर्च में मौजूद हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है एक अलग द्वार बनाया गया है, प्रवेश द्वार। वहाँ से जो है वहाँ पर सैनिटाइजर के माध्यम से लोगों को छिड़काव होगा, उसके बाद ही अंदर जो है वो प्रवेश कर सकेंगे। साथ ही यहाँ पर निकासी के लिए भी अलग जो व्यवस्था है, अलग जो रास्ता है वो गया है यहाँ पर, और साथ ही यहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर लोग बिना हाथ लगाए जो है सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उनके नाम के साथ ही उनके सभी प्रकार के डिटेल्स जो है वो एक रजिस्टर में लिखा जा रहा है, और साथ ही इसके बीच फिर चर्च जो है वो खोले गए हैं। और चर्च का अंदर का नजारा है कि यहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग के बीच लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं और प्रार्थना करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कैमरामैन रवेश राम देवांगन के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। छत्तीसगढ़ में आज से बीच